जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, आज ओप्पो K10 5G लॉन्च हो गया इंडिया में। चलो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.56 इंच का एक HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 480 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस, 600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड, 269 का PPI, और आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी पंच होल डिस्प्ले नहीं है, कोई भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन नहीं है। हाँ, DCI-P3 कलर गैमेट दे दिया है ताकि सबको बता सके ओप्पो की भैया कुछ तो दिए हम लोग। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? यकीन मानो, करंटली अभी 20,000 रुपए के अंदर में सबसे बेकार स्मार्टफोन यही है, सबसे बेकार वैल्यू आपको देता है। 17,500 रुपए में अपने को एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, छोटे से पंच होल के साथ। और ये हम लोगों को क्या दे रहा है? फुल HD प्लस रेजोल्यूशन तक नहीं दे पाया। भाई ये ओप्पो का कमाल है, ये ओप्पो ही कर सकता है। कैमरास की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। पागल हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आपको यही दो ही कैमरास मिलते हैं और ये फोन 17,500 रुपए का है। 17,500 रुपए में अपने को 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, कितने अच्छे अच्छे सोनी के सेंसर, सैमसंग के सेंसर वाले कैमरास मिल जाते हैं। अभी कुछ लोग आएंगे कमेंट पे, कहेंगे कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है, ओप्पो के फोन्स के कैमरास अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, लेकिन महंगे वाले स्मार्टफोन्स के, वहां पर वो ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है। जाके हार्डवेयर के जाके मॉडल नंबर्स को भी पढ़ लेना, 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है वो ओमनीविजन का सेंसर है। अच्छा बात नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होगे सेल्फी पक्का 16 मेगापिक्सल का होगा, नहीं, 8 मेगापिक्सल का है। इसलिए कह रहा हूँ ये स्मार्टफोन सबसे फालतू स्मार्टफोन है 20,000 रुपए के अंदर में। दिल से बुरा लगता है यार। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.1 का शोर सपोर्ट, UFS 2.2 का शोर सपोर्ट देना चाहिए था ओप्पो तुमको, LPDDR4X RAM टाइप, 5000 mAh बैटरी, 30 वॉट का चार्जर। चलो थैंक गॉड 30 वॉट का चार्जर तो दिया। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, कलर वाइज 12.1 पे रन करेगा, अच्छा हुआ Android 11 नहीं दिया। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाएगा, वाईफाई 5.1 के साथ आता है, और यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी मिल जाएगा, वाइब्रेशंस काफी अच्छे रहेंगे, बस और कुछ नहीं मिलता है। शाबाश। परफॉर्मेंस की बात कर ले, यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 810 मिल जाता है, जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। देखो यार, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन भाई ये जो प्रोसेसर है ना 15-14,000 रुपए के स्मार्टफोन्स तक रहता है तो अच्छा लगता है, उससे ऊपर जाता है तो भाई ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर अवेलेबल है। MediaTek Dimensity 900 अवेलेबल है, Snapdragon 695 अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर है, तो भाई तुम उनके तरफ चले जाते, क्या जरूरत थी 810 देने का? कुछ तो अच्छा करते, कुछ तो अच्छा फोन में दिए नहीं, कम से कम एक प्रोसेसर अच्छा दे देते। ये अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर और अच्छा देना चाहिए था ओप्पो को, ठीक है। ये जो प्रोसेसर है आपको हाई ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग करवा देगा, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन फास्ट वर्क करेगा, और आपको केवल 7 5G बैंड्स मिलते हैं। 5G लगा के लॉन्च किया, लेकिन बैंड्स केवल 7 देंगे, वाह भाई। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन आता है 7.51 mm के थिकनेस के साथ, 190 ग्राम इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन मोटा है और हल्का है। जबरदस्ती मोटा करने का कोशिश किया, क्योंकि बॉक्सी डिजाइन देने का कोशिश किया ना, इसी वजह से। डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको ये स्मार्टफोन जाना पहचाना लग रहा होगा, ये रियलमी नार्जो 55G है, जिसको रियलमी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। आपको दिखाई देगा वो स्मार्टफोन 15-16,000 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट प्राइस आपको साइड में दिखा दूंगा। इसको ओप्पो वापस से लॉन्च किया इंडिया में, लेकिन टेंशन मत लो, ओप्पो रीब्रांड नहीं मारा है, रियलमी रीब्रांड मारा है। ओप्पो का ये ओरिजिनल स्मार्टफोन है, ये लॉन्च हुआ था ओप्पो A77 या फिर ओप्पो A57 के नाम से, दिखा दूंगा इसका जो ओरिजिनल नाम है स्क्रीन पे। ये ओरिजिनल ओप्पो का फोन है, इसको ओप्पो इंडिया में ओप्पो K10 5G के नाम से लॉन्च किया, और यकीन नहीं मानोगे आप, इसको OnePlus भी रीब्रांड मारेगा। OnePlus का एक 15,000 रुपए 16,000 रुपए का फोन आएगा और ये वही फोन होगा, OnePlus नाम चेंज करके इसको लॉन्च कर देगा। तेरा भी दोगला पर निकालता हूँ मैं, बता दो तू कितना बड़ा दोगला है। देख रहे हो Realme, OnePlus, Oppo में कितना भाईचारा है, एक फोन लॉन्च किया Oppo, लेकिन सभी लोग अपने अपने स्टाइल में लॉन्च करेंगे नाम चेंज कर करके। अब भाई इसमें बेवकूफ कौन बनता है? हम बनते हैं बेवकूफ, हम आम जो पब्लिक है, हमको ही इन लोग बना रहे हैं बेवकूफ। Oppo लॉन्च किया तो प्राइस ज्यादा रख दिया, Realme लॉन्च किया तो थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया, अब देखना OnePlus लॉन्च करेगा ना तो सबसे ज्यादा प्राइस रखेगा। ये स्टाइल भाई बहुत पुराना है, ये तीनों ब्रांड्स करते रहते हैं ऐसा काम, लेकिन भाई बेवकूफ कौन बनता है? हम आम पब्लिक। अब एक आम बंदे को थोड़ी ना पता है
है कि भाई ये जो फोन मैं लेने जा रहा हूँ ओप्पो के 10 5G, ये रियलमी नार्जो 55G है, अगर मैं उसको ले लूंगा तो थोड़ा सा कम पैसों में मेरे को मिल जाएगा। अब देखना जब वन प्लस इसको रीब्रांड मारेगा तो उसका प्राइस थोड़ा और हाई फाई रखेगा। अब भाई किसी बंदे को थोड़ी ना पता रहेगा, नॉर्मल बंदे को, कि भाई वो ओप्पो के 10 5G का रीब्रांड है या फिर वो रियलमी नार्जो 55G का रीब्रांड है, नहीं पता रहता भाई। हम जैसे स्मार्ट लोगों को तो पता रहता है, इतना जब डूब के मोबाइल में रहते हैं कि भैया नहीं वो उसका रीब्रांड है, वो उसका रीब्रांड है, वो उसका रीब्रांड है। खैर छोड़ो, प्राइसिंग की बात करते हैं। इसका केवल एक ही रैम वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ है, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 17,500 रुपीस, यानी कि 17,500 रुपए। आपके क्या रिएक्शन है प्राइसिंग को लेके, कमेंट करके अपने रिएक्शन और ओपिनियंस बताओ। अब रहा सवाल, क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए? नहीं, आपको इस स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी मत खरीदो, बेकार स्मार्टफोन है। इसके जगह पे जाके कोई अच्छा स्मार्टफोन खरीदो, जैसे कि Realme 9 Pro 5G खरीद लो, Poco X4 Pro 5G खरीद लो, या फिर Moto G52 को खरीद लो, बहुत अच्छे अच्छे फोन अवेलेबल है, उनके तरफ जाओ। Vivo के फोन लेना चाहते हो तो Vivo T1 है, T1 Pro 5G है, वो बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। अगर आपको Vivo का फोन चाहिए तो Oppo के कोई फोन अभी 20,000 रुपए के अंदर में अच्छे वाले अवेलेबल नहीं है। ओप्पो के फोन से दूर रहना और वन प्लस के फोन से भी दूर रहना जो 20,000 रुपए में है। जो भी अच्छे फोन से आपको बता दिया हूं भाई, इनके तरफ जाओ, या फिर आप जो भी फोन लेना चाहते हो उस फोन का नाम कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा है कि नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।